नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य और मैं हूं दीक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। एंड आज है मंडे मॉर्निंग और हमने दिन की शुरुआत की लिडल की शॉपिंग के साथ, बिकॉज हम वीकेंड पे नहीं कर पाए और हर वीक के स्टार्टिंग में ग्रोसरी चाहिए ही रहता है, बिकॉज खत्म हो जाता है ड्यूरिंग द वीक। तो फिर अभी हम ऑफिस का थोड़ा बहुत अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करके हमने सोचा फ्री टाइम है, क्विकली नीचे लिडल जाके आ जाते हैं। और फिर हमने सोचा अभी और थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो थोड़ी वॉक भी कर लेते हैं यहाँ पे। यस, तो पार्क में आए हैं आज, काफ़ी भीड़ लग रही है। मतलब मोस्टली है तो क्रॉसिंग वाले लोग, बिकॉज ये जो पार्क है ये क्रॉसिंग के लिए यूज, क्रॉसिंग के लिए ज़्यादा यूज होगा। हाँ, तो अभी तो क्रॉसिंग वाले लोग ही है, क्योंकि ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि बैठा हुआ है या कोई वॉक कर रहा है या कोई बच्चे को खिला। अपन ही आए वॉक करने के लिए, बट वैसे भी हम 10-15 मिनट बाद तो हम भी वापस चले जाएंगे। हाँ, और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद करेंगे लंच। अभी बजी 11:30 रात की। यस, और हमने ऑर्डर किया है क्या, आलू फासोस। ये बहुत टाइम हो गया, लाइक 7-8 महीने बाद हम ये खा रहे हैं। हाँ, मतलब हमारे 4-5 रेस्टोरेंट फिक्स है ना, उसमें से फासोस एक फिक्स है। सजेस्ट सम गुड रेस्टोरेंट्स लंदन में, हम कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, बिकॉज कहीं से इतना, एक तो खाना हमको इतना लेट आता है, 45-50 मिनट्स वेट करके फिर खाना आता है, और अगर वो अच्छा नहीं निकलता, और खाना भी हम तब ऑर्डर करते हैं घर पे जब हमको बाहर जाने का मन नहीं है और घर पे भी कुछ बनाने का मन नहीं है, फिर खाना अगर खराब आता है तो इतना मूड खराब होता है, फिर उसको मैं बोलता हूँ डिनर खतरे में है, खतरे में हो गया, खतरे में। अब डिनर में क्या खाएंगे? तो आप अगर कुछ अच्छी रेस्टोरेंट्स आपको पता है जो डिलीवर करती है तो वो हमको सजेस्ट करना। उबर ईट्स, डिलीवरू, एक और है ना, जस्ट ईट। जस्ट ईट, बट अपन तो डिलीवरू और उबर ईट्स, हम उबर ईट्स से करते हैं क्योंकि उधर मुझे सबसे ज्यादा चीप लगता है, मतलब डिलीवरी चार्जेस के फॉर्म में। बाकी खाना तो हर रेस्टोरेंट का सेम ही होता है, और हमने प्राइम उधर की मेंबरशिप भी ले रखी है तो हमको वो भी सस्ता पड़ जाता है। सो लेट्स सी आज हमने फासोस से क्या। आज आदित्य ने मेरा कॉपी किया है, बाकी आदित्य हमेशा अलग मंगाता है। तो फासोस की एक ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो रैप के साथ हमेशा पापड़ देता है या नहीं है। लेट मी सी। हमेशा फिक्स है, इसके साथ पापड़ आता है, पापड़ आता है, और इसके रैप की पैकिंग भी बहुत अच्छी आती है। रैपिंग द वर्ल्ड विद लव, इंडिया, मिडल ईस्ट एंड नाउ इन यूके। तो ये काफी अच्छे से रैप होके आता है, राइट? आई फॉलो इसके पैकिंग और इसकी पंचलाइन जो है ना, आई फॉलो वन फूड रूल, ईट गुड, ईट एक्साइटिंग, है ना? अब so, हम दोनों ने पंजाबी छोले रैप ऑर्डर किया है। ये बहुत अच्छा आता है गाइस, इसका पनीर टिक्का भी बहुत अच्छा आता था, बट अब वो उसमें कलर डालने लग गए तो वो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। एंड एक और वेज ऑप्शन है उधर, हरा भरा कबाब, या बट लाइक छोले कितना यम्मी दिख रहा है, तो लेट्स एंजॉय करते हैं। द नेक्स्ट डे, आज मैं घर के नीचे आया हुआ हूँ, पीछे बैग भी है, मतलब ऑफिस जा रहा हूँ। टाइम हो गया 8:35। आज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं ऑफिस की बजाय क्लाइंट प्लेस पर जा रहा हूँ, मतलब एक नई जगह। और ऐसा होता है ना, नई जगह जाते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने का रहेगा। तो चलो यार, आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको वेदर अपडेट दे देता हूँ। इतना ग्लूमी वेदर है, देखो। मैं आगे चला जाता हूँ, वहाँ पर भीड़ कम है यार। मैं अभी उतर गया हूँ मूरगेट स्टेशन पर, और यहाँ से गूगल मैप्स के हिसाब से 4 मिनट दूर है मेरा क्लाइंट प्लेस। यहाँ पे स्टेशन देखो खाली खाली दिख रहा है, वे आउट ये रहा। और ऐसा होता है ना, फर्स्ट दिन जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाते हो तो थोड़ा लेट भी पहुँचो तो चलता है, तो बस इतना कोई टेंशन नहीं। अभी टाइम हुआ है 9:18, 9:30 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा मैं ऑफिस। गूगल मैप सीधा ही बता रहा है यहाँ से 3 मिनट है, और कितना बढ़िया लग रहा है यार। मुर्गेट में पहली बार उतरा हूँ ऑफिस के काम से, और अब देखो ये बिल्डिंग कितनी बढ़िया है यार। मुर्गेट भी मुझे एक कॉर्पोरेट प्लेस वाला फीलिंग दे रहा है। अब देखो यहाँ पे लोग जो है हाथ में कॉफ़ी लेके चल रहे हैं, कॉर्पोरेट सूट, और होता है ना जैसे टारबिट पर आप देखते हो तो लोग कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप फील नहीं देता है, वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं। यार मैं ऑफिस पहुँच तो गया हूँ, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ एंटर कैसे करूँ। तो चलो यार मैं देखता हूँ, और अगर दोपहर में टाइम मिलता है तो उस टाइम आता हूँ मैं वापस बाहर।
आज मैं लंच में लाया हूँ रोटी, चने की सब्जी और रायता। लंच करके मैं फ्री हो गया हूँ, टाइम हो गया अभी 1:09। और आज रिक्शा ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, मज़ा आ गया खा के। बाकी तो अभी तक का दिन बहुत ही सही जा रहा है। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टाइम हो गया है 1:18। सो मैं सोचा एक बार नीचे आ जाते और यहाँ पे माहौल देख लेते। तो माहौल एकदम बढ़िया है यार, आप बिल्डिंग्स देखो। बाकी तो यार जब आप एक नई जगह पे जाते हो ना, तो इनिशियली एडमिन चैलेंजेस आते हैं कि यार एक्सेस कैसे मिलेगा, किचन कहाँ पर है, पानी कहाँ से भरना है, टॉयलेट था कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें तो सॉर्टेड आउट हो गई है, मुझे पता चल गया ऑफिस का स्ट्रक्चर जो है। बट आज इनिशियली मेरे साथ एक मज़ेदार किस्सा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यह हुआ यह था कि मैं 9:30 बजे ऑफिस पहुँचा और मुझे लगी थी जोरों की प्यास। मैं गया किचन में और वहाँ पर मैंने देखा वाटर कूलर लगा हुआ है, मैंने अपनी बॉटल लगाई और इतना ठंडा पानी आ रहा था, मैंने कहा भाई ये तो नहीं पिया जाएगा। फिर मैंने देखा इधर उधर कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैंने कहा भाई अब कोई ऑप्शन है नहीं। फिर मैं गया दूसरी साइड ऑफिस में, उधर घूम रहा था तो मुझे कॉफ़ी मशीन दिखी और वहाँ पे कॉफ़ी मशीन में ऑप्शन रहता है जनरली हॉट वाटर का, और पास में कप्स भी रखे रहते हैं। मैंने कहा अब ये जुगाड़ तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मैंने फिर क्या किया, कप में गर्म पानी लिया और उसको फिर बॉटल में मिक्स किया। ये करके अब मैं सेटल अप हो गया हूँ। तो यार जब भी नई जगह जाता हूँ ना, सबसे ज़्यादा मुझे कंसर्न होता है पानी का, बट अब यहाँ पे वो चीज़ सॉल्व हो गई है तो बाकी अब मैं रिलैक्स हूँ। आप ये देखो बिल्डिंग्स, कितनी बड़ी बालकनी है यार उसकी, और फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना यार। यहाँ पे स्कूल फॉर गर्ल्स है, सिटी ऑफ लंदन, देखो ये स्कूल है यार। ये है चर्च, यहाँ पे कुछ तो चल रहा था, मैंने देखा था बाहर। लेट्स सी अगर वहाँ पे अभी भी कुछ चल रहा है तो। भाई बहुत सही बिल्डिंग है, बहुत सही एरिया है यार। इस एरिया की मुझे एक अच्छी बात ये लगी ना, बिल्डिंग्स ऐसे नहीं खचाखच भरी हुई है पास टू पास। यहाँ पे देखो इतना बड़ा एरिया दे रखा है इन्होंने, फिर वहाँ पे बिल्डिंग है और देखो वहाँ पे भी इतनी बड़ी बैठने की जगह है। कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये देखो झंडे की आवाज़ आ रही है वहाँ से। यार मेरा चर्च में जाने का मन तो था बट यहाँ पे कुछ इवेंट चल रहा है, सो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देम। कभी अगले टाइम अगर आऊँगा तो आई वुड गिव इट अ ट्राई। यार मैंने अभी देखा बिल्डिंग्स पे देखो कुछ फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं। On this site at 12:15 AM on the 25th of August 1940 fell the first bomb on the city of London in the Second World War. यहाँ पे भी उन्होंने गार्डन दे रखा, देखो हर जगह मतलब बैठने की जगह, आराम से बैठो, लंच करो और वापस ऑफिस चले जाओ। चलो यार मैं जाता हूँ वापस ऑफिस, टाइम हो गया अभी 1:33। और आप देखो यहाँ पे लाइन कितनी सारी साइकिल्स पड़ी हुई है यहाँ पे वहाँ पे। आज मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया हूँ और अब रश देखो कितने सारे लोग हैं। और यहाँ पे तो एक पब में तो लोग आराम से गपशप कर रहे हैं, ठंडी हवाएं बहुत चल रही है यार। मेरे को बोर्ड करनी हैमर स्मिथ और यहाँ पे नोटिस लगाया हुआ है सर्विस इन्फॉर्मेशन पे कि डिलेस चल रहा है यार। सो लेट्स सी, सच में बहुत डिले चल रहा है। आप देखो ऑल्ड गेट वाली जो है 5 मिनट बाद आएगी, उसके बाद पार्किंग वाली 12 मिनट बाद। जनरली ऐसा होता नहीं है, दो मिनट की फ्रीक्वेंसी पे आती है या मैक्सिमम 3 मिनट ले रहा है यार। ये न्यूज़ देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो 5G इज़ कमिंग टू द ट्यूब, क्योंकि जनरली क्या होता है ट्यूब स्टेशंस पे कुछ अंडरग्राउंड में नेटवर्क आता ही नहीं है। तो यहाँ के मेयर जो है, मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने कमिट किया 80% ऑफ ट्यूब स्टेशंस विल हैव 4G एंड 5G मोबाइल कवरेज बाय द एंड ऑफ 2024। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। स्टेशन कितना साइलेंट है, आप देखो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, अगर ट्रेन आएगी तो ही आवाज़ आएगी। बाकी आप देखो मैं प्लेटफॉर्म के एंड पे खड़ा हूँ, यहाँ जो प्लेटफॉर्म एंड हो रहा है, और मैं वहाँ से वॉक करके आया था। तो ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा मैंने देखा है, बोलते तो क्या है कि ट्रेन की जो स्टार्टिंग और एंड बोगी होती है ना, वहाँ पे जगह मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, भीड़ कम होती है। तो लेट्स सी, मैं थ्योरी टेस्ट कर रहा हूँ कि आज ये सक्सेसफुल रहेगी या नहीं। भाई बहुत ही ज़्यादा भरी हुई है ट्रेन तो यार, मेरा डब्बा तो ये रहा। शिट यार, आज की थ्योरी फेल।